नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल यूपी 14 न्यूज में, और मैं हूँ आपके साथ कुमार लपास। देखिए श्रावस्ती से बड़ी खबर। सरकार ने किसानों के गेहूं खरीदने को लेकर तमाम सुविधाएं देने की बात कही है, लेकिन जनपद में 10 से 15 दिन गुजर जाते हैं लेकिन किसानों का गेहूं नहीं खरीदा जाता है। गेहूं क्रय केंद्रों के बाहर लंबी लंबी ट्रॉलियों की कतार इस बात की गवाही देती हैं। चाहे बरसात में उनका गेहूं भीगे या गेहूं बेचने के चक्कर में किसानों का घर लुटी क्यों ना जाए, लेकिन यहां गेहूं खरीदने में लेट लतीफी जरूर है। इसी के चलते भाजपा विधायक ने एक गेहूं क्रय केंद्र का निरीक्षण किया, जहां पर गेहूं खरीद में अनियमितता के साथ साथ किसानों का गेहूं ना खरीद कर मंडियों से गेहूं खरीद कर मानक को पूरा किया जा रहा है, जिस पर भाजपा विधायक भड़क गए और प्रभारी की जमकर क्लास लगाई। मामला श्रावस्ती जनपद के गिलौला के हरिहरपुर गेहूं क्रय केंद्र का है, जहां पर किसानों का गेहूं खरीद कर उन्हें 10 से 15 दिन तक क्रय केंद्रों के बाहर खड़ा किया जा रहा था। जब इसकी सूचना भाजपा विधायक राम फेरन पांडे को लगी, तो वो मौके पर पहुंचे तो देखा ट्रॉलियों की लंबी कतार लगी है, जहां पर कुछ किसानों का गेहूं भीगा हुआ है तो कुछ किसान 10 से 15 दिन से क्रय केंद्र का दरवाजा रखा रहे हैं। यहां पर किसानों का गेहूं ना खरीद कर बिचौलियों से गेहूं खरीद कर मानक को पूरा किया जा रहा है, और बेचारे किसान गेहूं को बेचने के लिए दर दर भटक रहे हैं। जब भाजपा विधायक और SDM मौके पर पहुंचे तो ना ही केंद्र प्रभारी के पास कोई अभिलेख मौजूद था और ना ही मानक पर उनका गोदाम उतर रहा था। वहीं खरीद को देखते हुए उनका गेहूं अधिक मात्रा में लगा हुआ था, जिस पर भाजपा विधायक ने उनसे पूछताछ की तो जवाब देने में असमर्थ रहे, जिस पर भाजपा विधायक ने जमकर क्लास लगाई और आरोप लगाया कि यहां किसानों का गेहूं ना खरीद कर बिचौलियों से गेहूं खरीदा जाता है। वहीं SDM ने मामले की जांच करके कार्रवाई की बात की है। ज्यादा किसानों को ट्राली को ना रोका जाए, जल्द से जल्द गेहूं खरीदा जाए। सात सात आठ आठ दिन से ट्रालियां खड़ी हैं। नौ दिन से ट्रालियां लोग अभी बयान दिया, आठ आठ नौ नौ दिन से पड़े हुए हैं। क्या कार्रवाई है? वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये तो अब इनका जो कथन है कि मेरा माल नहीं उठा है और इसलिए मेरे पास जगह नहीं है। इतने छोटे गोडाउन में इनको माल खरीदना नहीं चाहिए। माल खरीदने के लिए बड़ा गोडाउन होता है, जहाँ पे 100-200 ट्राली माल लोगों का रखा जा सके, लगाया जा सके। हमारे यहाँ गांव पर सड़क पे ही एक गोडाउन बना है, या PIUC का है, वो बहराइच जिले का। उसमें मेरे ख्याल से तो 15-20 हज़ार कुंटल गेहूँ लगा हुआ है और वो लोगों की खरीद हो रही है। इन लोगों द्वारा जो गड़बड़ किया जा रहा है, केवल अभिलेख हमको सही पाए गए हैं मौके पर, धरातल पर, सच्चाई कुछ और है।